मतलब हुआ कि हम मेरा बैकग्राउंड जो है आर्मी से है। वर्ष 1984 में आर्मी ज्वाइन किए थे और शुरुआती दौर में 1988-89 में भारतीय सेना जो श्रीलंका में गई थी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम के खिलाफ में, वहाँ पर इसका पार्ट थे, उसका हिस्सा थे और वहाँ पर हमने बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया। बाद के दिनों में कारगिल युद्ध 1999 में और ब्रास टेक 4 जैसे युद्धों में शामिल रहे, इसके लिए भारत सरकार हमें कई तरह के सेना मेडल से सम्मानित भी किया। हम आने के बाद में बिहार के विभिन्न जिले में कम से कम 15 से 16 जिलों में बाढ़ आपदा के टाइम पर अग्निपीड़ितों की सेवा, सर्दियों में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण, इस सारा कार्य जो अपने सेवा क्षेत्र को अपनाया आने के बाद में, और इसी आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसमें हमें उम्मीद है कि हम अगर हमको काम करने का मौका मिलता है, जनता हमें काम करने का मौका देती है, तो हम उसी मनोयोग से जिस तरह से हम देश का सेवा किया है उस तरह से उसी ईमानदारी कर्तव्यता के साथ में समाज की सेवा करेंगे। 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है पूरे क्षेत्र में, बहुत बड़ा क्षेत्र है जी। कैसे इस पे आप तो काम कर पाएंगे पूरी तरह से विकास का? जो कार्य क्षेत्र मेरा होगा वो तो उस पर काम होगा। अभी लोगों से जा कर के हम मिल रहे हैं, लोगों से और घर घर जा कर के मिल रहे हैं, लोगों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और उम्मीद है हम बहुत अच्छा कर पाएंगे जी। काफ़ी गर्व की बात है कि अब आप डिप्टी में भी चुनाव लड़ने वाले हैं जी। आप सेना में रह चुके हैं, भारत का नाम आपने रोशन किया है, लेकिन ये चुनाव लड़ना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा, इसको कैसे कीजिएगा? कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है। जब आप अच्छे मिशन के लिए निकलते हैं, कोई काम करने के लिए निकलते हैं, निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, क्योंकि इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है जितना आप समझ पा रहे हैं। लोग अच्छे लोगों को हर एक लोग खोजना चाहते हैं, हर एक लोग चाहते हैं कि अच्छे लोग इसमें आए, और हमें बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम उम्मीद है कि बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। सर, जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो समस्याएं भी सुनने को मिल रही होगी, समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, तो क्या आपका आश्वासन उनको होता है कि जीत के बाद जो है आप उस पर गौर करेंगे और प्राथमिकता के साथ उसको दूर करने का? बिल्कुल, उनके लिए हम बजाते वहाँ पर जो भी समस्याएं होती है उनको हम एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो होने लायक है वह भी करवाएं, जो नहीं होने लायक हो वो हमको जब मौका मिलेगा उन चीज़ों को जो वहाँ की समस्याएं हैं प्राथमिकता के तौर पर हम निपटाने का काम करेंगे। इस बार के चुनावी एजेंडा में आप कौन कौन से एजेंडा को लेकर, कौन कौन से मुख्य एजेंडा आपका है जिसको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? सबसे पहले जो एजेंडा है कि हम यहाँ पर जो पटना में सबसे ज़्यादा जाम की समस्या है, तो यहाँ पर वेडिंग जोन का निर्माण करवा करके जो झुग्गी झोपड़ी में या ठेला पर रिक्शा पर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको एक जगह निर्धारित कराएंगे, ताकि जो है वो जो रोड पर भीड़ अननेसेसरी न लगे और उसको एक जगह मुहैया हो। दूसरा जो मेरा प्राथमिकता होगा कि अभी जो नली गली रोड में आप जब देख रहे हैं वहाँ क्या होता है कि एक रोड बनता है, उसको आकर के कल वो लाइन बिछाने वाला उसको तोड़ देता है, फिर वो जाता है फिर नाली बनाने वाला आ जाता है, फिर वो फाइबर केबल बिछाने वाला आ जाता है, और भी नाना प्रकार के जितने भी मेंटेनेंस के काम है वो सारा होता रहता है, और लास्ट होता है कि उसको तोड़ दिया जाता है। कम से कम एक रोड पर जो काम होता है उसमें 6 विभाग काम करता है। हमारा जो प्राथमिकता के तौर पर हम इस चीज़ों को चाहेंगे कि सभी जो विभाग हैं, जो नाली बनाने वाले हैं, लाइन बिछाने वाले हैं, पाइप बिछाने वाले हैं या गैस पाइप बिछाने वाले हैं, जिस तरह के भी हो, सभी विभागों का एक कमांड मीटिंग करा करके एक बजट से एक साथ में काम शुरू कराया जाए, ताकि जो है उसको अच्छा से रख रखाव हो सकता है। और ये सारा चीज़ अभी हर एक अलग अलग बजट है, सारा पैसा जनता का जा रहा है। 1 किलोमीटर सपोज रोड है, अगर 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है
ये सारे जो साल भर के अंदर अंदर चीज खत्म हो जाता है, टूट जाता है या तोड़ दिया जाता है, उसको फिर रिपेयर करने के लिए फिर नया से टेंडर होता है और सारा पैसा जनता का बर्बाद होता है। हमारी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि एक बार में सभी तरह के काम हो और उसको इस पर हम सबसे ज़्यादा काम करने की कोशिश करेंगे। तीसरा जो मेरा मोटो है वो है कि पूरे 75 वार्ड में एक एक जगह 10 रुपए में हम खाना खिलाएंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी आकर खाना खाए, गरीब गुरबों के जो जरूरतमंद हो, चाहे जिस टाइप के लोग हो, 10 रुपए उनको घर पर खाना खिलाने का मेरा मिशन है, उस पर हम काम करेंगे। अगर हमें काम करने का मौका मिलता है, कैसे भी फंड हो उपलब्ध कराना, उसको हम कराएंगे और हम ये व्यवस्था जरूर कराएंगे। 10 रुपए में कितने, एक दिन में कितने बार खाना खाइए, दो टाइम? एक टाइम खाने का 10 रुपया चार्ज होगा उसका। हाँ। और उसमें जो भी खाने का उसका भरपेट खाना खिलाया जाएगा। तो बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, कैसे इसको आप मैनेज कर पाइए? 72 से 75 वार्ड, चाहे उसके लिए हमें डोनेशन लेना हो या जिस तरह से भी हो, हमें उस काम को करेंगे, चाहे अपने फंड से हो, जिस तरह से भी हो व्यवस्था, मेरा जनता के साथ कमिटमेंट है और हम करेंगे।